हाथ रखी आप लोगों ने। ये बलात्कार समर्थक आपके अंदर हिम्मत नहीं है समर्थक अपना सिर ढूंढने लगेगा क्या करें। प्रेम जी प्रेम जी, जिस तरह से बलात्कारी समर्थकों में बौखलाहट का दौर चल रहा है, ये बौखलाहट बढ़ता जाएगा, इन बलात्कारियों की अवैध संपत्तियों पर इसी तरह बुलडोजर चलेगा, बलात्कारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जिहादी मारे जाएंगे, कुत्ते की मौत मारे जाएंगे जिहादी। आप चिल्लाइए, छाती पीटिए, खूब स्यापा करिए, खूब बौखलाइए, खूब बाल नोचिए, खूब बाल नोचिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बाल नोच लीजिए अपने, लेकिन बलात्कारियों को बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं और ये एंकर पूरा ज्ञान बांट रही है, खिलाफ कार्रवाई करेंगे। प्रियंका वड्रा जी के आर्थिक ज्ञान बांटना सर, क्या करेंगे, मजबूरी है मेरी, मैं बैठती हूँ, क्या करने की, उतारी उतारी है आज है बदतमीजी की। इनसे एक बार जरा निर्भया फंड का कितना पैसा बचा हुआ, कितना इस्तेमाल हुआ, खुद कर रहे हैं बदतमीजी की प्रतिमूर्ति है, कानून व्यवस्था आपके रग रग में बदतमीजी है, आपके आपके अब्बा हुजूर ने आपको तमीज सिखाई ही नहीं, किसे सवाल पूछेगा। लेकिन तीन लोगों ने जिस तरह से बदतमीजी की, मुझे उसी लेवल पर आना पड़ा आप लोगों के गृहस्थी में, मतलब आप आपको सुन रही हूँ, आपका लेवल देख रही हूँ, दिखाई दे मैं तो बचाने के लिए पर। उसके बाद आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी हो उसका नाम पूछ लीजिए कि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी थी और उसमें सजा मिल गई। क्यों नहीं पूछ रहे हैं आप, क्यों नहीं पूछ रहे मेरे तरफ, क्यों उंगली कर रहे हैं, मैं सरकार में हूँ, मैं पार्टी की प्रवक्ता हूँ, मुझे कांग्रेस पार्टी को प्रमोशन चाहिए, गवर्नर बनना है, दूसरे को राज्यसभा जाना है, बलात्कारियों पे कहीं कार्रवाई ना हो, बीजेपी के लिए दूसरा सवाल आएगा, दामाद होंगे जी कांग्रेसियों के, लेकिन बलात्कारियों पे हम सब दिखाएंगे, कोई बलात्कारी की जरूरत होगी बुलडोजर चलेगा, आपको बलात्कारी करना होगा उनके रिश्ता कर लीजिए, उनके साथ जाइए, जाइए बलात्कारियों से रिश्तेदारी कर लीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हम बलात्कारियों का नाम बता दीजिए, करेंगे तो करेंगे, दिल्ली में एक पार्टी तो चलाएंगे, आप जाइए अशोक गहलोत को लेके और बलात्कारी को बिरयानी खिलाइए, ये आपका संस्कार है, ये आपका संस्कार है, बलात्कारी को बिरयानी खिलाना, मोदी साहब तो चलिए बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। और हर बार जो डिबेट से नई बातें निकलकर सामने आती है, एक बार फिर आपने देखा कि संविधान नहीं शरिया की बातें हो रही है, कुछ लोग सवाल इस तरीके से पूछ रहे हैं कि वो आईपीसी की धारा पर किसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, पूर्व डीजीपी पे, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या सच्चाई है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। I have told you, if you want to know the truth, you should appoint a commission.